मैं नबी करीम का पैगाम लेके आया। सरकार फरमा रहे ने सारे मदीने आ जाओ, जामी मदीने ना आया वे मौलाना जामी धड़ा मार के रो पे। मदीने वाले हाथ जोड़ के अर्ज कर देने कमली वाले आओ, सारी जिंदगी उड़ीका करदा रहे हां, जावा का मदीना वेख के आवागा, सुने केड़ा गुनाह हो गया, आज मेरी हाजरी क्यों नहीं कबूल। मस्जिद नबी च एक पढ़िए ते 50,000 दा सवाब है ते सानू लख वल बुलाना। 50,000 वल कह रहे मदीने आ जाओ, मदीने आ जाओ, आ जाओ मदीने, जिन्हें गुनाह माफी माफी लेनी है मदीने आ जाओ। अल्लाह ने रिजा फरमाया कभी एक नमाज पढ़े लख दा सवाब है, मदीने मस्जिद नबी जी की नमाज पढ़े 50,000 दा सवाब है। अल्लाह फरमाया पर तेनों गल अधी समझा रहे ने, अल्लाह फरमाया कभी एक नमाज पढ़े लख दा सवाब लिखिया जाता है, काबे एक गुनाह करे गुनाह भी लख लिखिया जाता है। पता लगिया काबे च सवाब भी लख दा गुनाह भी लख दा है। मदीने आवाज आउंदी है मदीने आ जाओ, काबे एक गुनाह करे लख लिखिया जाना है, मदीने लखा गुनाह लेके आ जाओ असी सारे ही माफ करा लवांगे। लखा लेके आ जा असी सारे ही माफ करा लवांगे। उलमा तो शरीफ फरमा मेरे साई ताजदार चूरा शरीफ बोले नहीं तुसी जुबान अल्लाह थोड़ा जि हौला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए, ते हाथ बिल्कुल नहीं चुकना, मत किधरे को शहीद ना हो जाए। मैं स्टेज वाले नु कह बैठा ना बोलो, वो वाकई नहीं बोले, कहिंदे भी डर जिहा लगदा चौधरी बंदे भी बैठे होंदे। हजरत मियां शेर मुहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह दा मुरीद आके कहंदे बाबा जी लोग नाम ना चौधरी लिखदे ने, चौधरी की होंदा? फरमा पुत्र चौधरी दो होंदे ने, हजूर केड़े? फरमा जिद कुल मुरबे उन्हों चौधरी होंदा है, जिद कुल माल डंगर डेरेदारी गड्डी छड्डी बैंक बैलेंस नौकर चाकर हो मन वह पुत्र चौधरी होंदा है, हजूर दूसरा चौधरी केड़ा होंदा है? फरमा पुत्र मुरबिया वाला चौधरी मर जाए चौधर मुक जाती है, मुहम्मद का कमी बन के मर जाए कबर च भी चौधर जूंदी रहेगी। जिहड़ा चौधरी बन के रवे चुप ते जिहड़ा हजूर का कमी बन के बैठा वह बोले सुभान अल्लाह। मेरे साई ताजदारे चूरा शरीफ फरमाते ने जी हज करन गए ते पाकिस्तान की कमाई वडेरी पेंडू जी माई ते साढ़े ना हज करन चली गए। माई जदों काबे का तवाफ करे ना ते तवाफ करके जदों हजरे असवद के सामने आवे ना ते इस्तेलाम करके ना इस तरह ते माई आखे वे रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा, फिर चक्कर लगा के आवे ते हजरे असवद इस्तेलाम करके आखे रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा। माई फिर जो तवाफ करके आवे फिर आखे रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा। आ फरमाते ने जो तो सारे अरकान अदा कर लेते असा माई नो काबे दे करीब खड़ा करके आख्या अम्मा एडी दूर तू रब ने तेन अपने घर बुलाए ते उदे घर च गलो के उन्हें ही धमकियां लगाई जानी है ते जे ना बख्शे ते कर की लवेंगी। ते माई रो पई ते रो के काबे वल वेख के कहंदी मैं की कर लैणा है, मैं ते रब नू पई कहिंदी आ इत्थे ही बख्शे दे चंगा रह जाएगा, नहीं ते मैं मदीने टुर जाणा है, इत्थे ही बख्शे दे चंगा रह जाएगा, नहीं ते मैं मदीने टुर जाणा है। उत्थे ते वादा कीता ही ना सोने आ जिहड़े तेरे बूहे आ गए असा फिर उन्हां वल ते नहीं ना वेखना, असा ते फिर तेरी रहमत वल वेखना है ना, इत्थे आ जाओ जिहड़े गुनाह कर लैन। अल्लाह फरमांदा आ जाओ मेरे यार दे दरवाजे ते, मैं तेरा तर्जमा जे करिया करना रहमत मेरे हुजूर दी वाजां पे मार दी, रहमत मेरे हुजूर दी वाजां पे मार दी, ए रहमत मेरे हुजूर दी वाजा पे मार दी, आ जा गुनाहगारा तैनों बचा लवा, आ जा गुनाहगारा न तैनों मैं
ਜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਮਰੇ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਉਮਰੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲਣਾ ਵੇਖੋ ਰੋਵੇਗਾ ਵੀ घर जाके लोग कहेंगे मुबारक होवे भाई तेनू हजूर ने बुलाया पता लगे जांदा होवे जिन्नू हजूर बुलावन है ना असि क्यों मदीने ने प्यार करने क्योंकि उत्थे खुदा ते खुदाई दा महबूब वसदा है रिजवी साहब जदों मैं पहली बार उकाड़े गया ना ते मैं मेरे इरशाद साहब पीर भाई उन्हां दे घर जावना सी ते गली दी नुक्कर ते ना इक बोर्ड लग्या ते बोर्ड दे उत्ते लिखिया कि हकीम साहब की दुकान इस गली में है नाल इक तीर दा निशान मैं पुछया हाजी साहब ये बोर्ड कर दे कहन लगे आसी साहब साडी गली च इक बड़ा मशहूर हकीम रहंदे लोग दरूद दराज तो उनको दवाई लैवन आते हैं तो पूछना पैदा हकीम साहब की दुकान कितने वे हकीम साहब ने लोगों की आसानी वास्ते गली के नुक्कर से बोर्ड लगा के तीर का निशान लगा दिता है एरो का निशान लगाया कि आने जावन वाले नु पता लग जाए पूछना ना पवे पता चल जाए हकीम की दुकान इस गली वो तीर का निशान दसदा कि दुकान इस गली मैं जब काबे गया ना तो काबे का किया मैं तवा तो वह जो काबे की छत का परनाला सी ना उदा रुख मदीने वाले जिमें तीर का निशान दस देना हकीम की दुकान इस गली वेच काबा भी आने वाले इशारे कर करके पे दसदा लोगो हज होंदा इत्थे जे कबूल ओ मदीने होंदा कबूल ओ मदीने होंदा जी हाँ बिलकुल जी हम अगली गल कर देवा जे नहीं तो फिर कदे कर लवांगे सदके जावो तुहाडी ठंडी जी सुभान अल्लाह तू मैं तो पहले अर्ज किया लंगर भी पहले खा लिया हो ते वजे भी रात दे ढाई होन रात भी सर्दियां दे होवे ते सुभान अल्लाह कह जाओगे तो बंदा रहिंदा ही नहीं जे मदीना तैयबा काबे च हज होंदा है ते कबूल मदीने होंदा है यारां नूं ते दूर नहीं भेजीदा माहियां नूं ते दूर नहीं भेजीदा महबूबां नूं दूर नहीं भेजीदा अल्लाह ने महबूब अपना पैदा किया अपने काबे दे गवांढ च 53 साल 53 साल मेरे नबी ने मक्के गुजारे आखिरी हयात ज़हरी 10 साल से अल्लाह फरमा हिजरत करो ते आओ 300 मील दूर मदीने जाके डेरा लगाओ या अल्लाह महबूबा नूं ते दूर नहीं ना भेजीदा अपना घर काबे च बना के यार नूं इत्थे पैदा करके ते दूर इतनी भेज दिता नबी दा घर मदीने अल्लाह दा घर काबे च अर्ज कीती या अल्लाह अपने यार ने इन्ना दूर क्यों भेजी आई अल्लाह ने फरमा कमली वाले जेते जरा घर भी मक्के दे अंदर मेरे घर दे करीब रहंदा लोगा ने हज करने आना सी ते कहना सी हज करने आए हो जांदियां जांदियां नबी दे घरों हो जाने हो अल्लाह फरमांदा कमली वाले आ जरा दूर डेरा लगा मैं देखा मैनू मिलन केड़ा आंदा है तेनू मिलन केड़ा क्योंकि आने सन जिन्ना आखना सी नीयत करके नबी दे घर नहीं जाइदा अल्लाह परमा सोने तू डेरा ला 300 मील दूर मैं वेखा केड़ा नीयत करके जांदा मैं रब दे माही नूं मिल के आवा अल्लाह ने फरमा सोने तू उत्थे डेरे लगा नौजवानों एवें नहीं मदीना हमेशा तो आशकां दी जान हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ओ बाबा जिन्हें जिंदगी 70 हज कीते जो अरबी बड़े गरीब सन ना अजे तेल दे कुएं निकले नहीं सन निकले बाबा जी उदू बड़े अमीर सन पाकिस्तान ते इस इलाके चो दौलत इकट्ठी करके लै जांदे ने जाके अरबियां नूं तकसीम करदे ने अरबियां ने उस वेले आप नूं लखब दिता अबू अल अरब अरबियां दा बाप यानी अज भी हो के अरबियां नूं इंज पालदा जिवें बाप अपनी औलाद नूं पालदा आपने मदीना ते गबा जमात मंजिल दे नाम ते लंगर खाने खोले अज भी मौजूद ने आज भी मौजूद है हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप एक दिन नबी पाक दे रोजे दे करीब ते गुजरे ते 10 साल दा अरबी लिबास पहने बच्चा ते हजूर दे रोजे वल वेखी जाए ते रोई जावे ते रोई जावे ते रोई जावे ओ पीर जमात अली शाह जी दे मुरीद दे पैरां थले मदीने दे कुत्ते दा पैर आ गया आप नूं खबर मिली ते आपने मुरीद नूं डांट के ते फरमाया जो कुत्ता ढूंढ के लियाओ कुत्ता आया ते हजरत पीर जमात अली शाह सैयदजादा होके लखा मुरीदां दा पीर होके
ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਲਾਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਸ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕਰਨਾ ਇਜੜ ਚਾਰ ਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਬਦੂਆਂ ਦੇ ਜੜੀ ਚਾਰ ਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਬਦੂਆਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਆ ਜਾਏ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਿਤ ਤਰਲੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਏ ਫਰਮਾ ਬੱਚਿਆ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਨਾ ਖਾਧਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪਿਆ ਰੋਣਾ ਫਰਮਾ ਜਾ ਬੱਚਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਉਡੀਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਰਾ ਆਪਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਅਰਦ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਅਨਾ ਦਈ ਫੁਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕਮਲੀ ਬਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਮੰਜ਼ਲ ਲੈ ਆਏ ਲੰਗਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਸ਼ਗਫ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਪੀਰਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦਾ ਵਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੁਕਮਾ ਲਬਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰੋਦੇ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਲੱਭੇਗਾ ਅਖੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਲੱਭੇਗਾ ਅਖੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਲੱਭੇਗਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ ਆਪਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਫਰਮਾਇਆ ਬੱਚਿਆ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਦਾਮਨ ਛੁੜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਰੱਖੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੰਬਾ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਅੱਬੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਖਾਣੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਆਸ਼ਿਕਾ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਗੌਹਰਉਦੀਨ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਜਿੰਦੜ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਪੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਨਾ ਦਰੂ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਕੰਨ ਚਰਜ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਲੱਭਿਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲੱਭਿਕ ਤਲਬੀਆ ਪੜੋ ਕੋ ਦੁਆ ਪੜੋ ਫਰਮਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਖਲੋਤਾ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ 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 ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਕੰਨ ਚਰਜ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਪਿਆ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਪਿਆ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸੁਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਗੋਹਰਉਦੀਨ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਫ ਕਬੂਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਰਮਾਏ ਸਨ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਮੁਰਾਕਬ ਰਹਿਣਾ ਮੁਰਾਕਬਾ ਕਰਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਫਿਰ ਮੁਰਾਕਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਜਬ ਤੱਕ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ
एक मरतबा कई दिन मुराकबे चो गुजर गए, नमाज पढ़नी मुराकबा, दाता साहब इजाजत नहीं दे रहे। दाता साहब ने एक दिन कब्र अनवर चो फरमा के जाओ छुट्टी वापस जाओ। जद दाता साहब फरमाते सन वापस जाओ रुक देने सन, आप जल्दी ना तुर पे। एक मुरीद ने अर्ज़ की हजूर दो गड़ियाँ ठहरे जे तो मतलब सलाम करके आवा तो अजय हजूर ना जाया जी, आप फिर भी तुरते जा रहे। मुरीद ने अर्ज़ की हजूर रुक दे क्यों नहीं, तो जुमला फरमाया सुनो, फरमाते ने कवारियां नू की पता वे व्याहियां दियां की मजबूरियां होंदियां ने, जड़ियां साइयां नाल होण ना खसमां वालियां। फरमाते ने कवारियां नू की पता वे व्याहियां दियां की मजबूरियां होंदियां ने, जड़ियां खसमां वालियां होण, खसमां दे आर्डर बगैर कोई हिलदियां तुसीं बोले ही नहीं, सुभान अल्लाह। चलो मैं तुहाडे मजे दे मुताबिक दी गल सुना देवां। जिहड़े मत हजरत खाजा कोट मिठन दा ताजदार, हजरत खाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले सरकार, आप दे दो मुरीद आए तो कह लगे हजूर हज करन चलिया तो दुआ करिया जे अल्लाह सफर आसानी दा देवे ते हजूर हज कबूल हो जाए। आपने दुआ की थी। ते फरमाते ने किथे चले, आखे बाबा जी हज करन, ते फरमाया मदीने नहीं जाना क्योंकि आशिक दी जान ते मदीने अटकी आउंदी है ना, इश्क दा मिजाज ही ऐसा, कोई अपने यार दी गल करदा वे दिल करदा मैं अपने यार नूं शुरू कर देवां। उन्हें आख्या जी वेला मिलिया ते मदीने हो के आवांगे, परमा झलियो इंज नहीं कहीदा कि हज करन चलिया ते वेला मिलिया ते मदीने हो के आवांगे, इंज कहीदा मदीने चलिया जे वेला मिलिया ते हज भी कर आवांगे, क्योंकि असल रसूल बंदगी उस पाक दर की है। दुआ की थी, मुरीद चले गए, मक्का शरीफ के करीब पहुंचे ना तो उथे डाकुआ लुट लिया, मारिया भी समान भी खोलिया, तो डाकुआ की आदत होती है, अल्लाह ना करे तुहाडा कदे वाह पवे, पर यह रातां नूं सफर करने वाले समझदे ने, यह लुट भी लैंदे ने, जिधर बंदा जांदा होवे उधर नहीं जान देंदे, कहंदे ने इधर जाओ जसूसी ना हो जाए। उन्हें माल भी लुट लिया, मारिया भी, यह मक्के वाल जा रहे हज कर, मदीने वाले रस्ते ते पा के नहीं इधर नहीं जाना इधर जाना, यह मदीने होके मुड़ मक्के आए। जब वापस आए तो खाजा साहब की ज़ियारत लिए, आपने फरमाया हाँ भाई हज कैसा रहा, तो की हजूर हज तो ठीक रहा पर डाकुआ लुट लिया, तो मारिया भी बड़ा समान भी खो लिया, पर वो जो काम किया उन्हें सफर बड़ा लंबा तो दुराडा कराया, मक्के वाल जा रहे सन तो मदीने के राह पा दिता, तो बड़ा लंबा सफर हो। आपने फरमाया झलियो यार दे शहर दे डाकुआ दियां भी शिकायतां नहीं लाई दियां। मुरीद चुप कर गए, अगले साल खाजा साहब आप हज करनगे, आपनू भी डाकुआ लुट लिया, मारिया भी समान भी खोलिया, आपनू भी मदीने वाले रस्ते ते पा दिता। इधर मुरीदा नूं खबर होगी कि बाबा जी नाल भी यही वाकया गुजरे, आप जो आए तो मुरीदा का ख्याल कि हुण बाबा जी सानू वाकया सुनावणगे, तो असी कहांगे सानू तो आख्या सी कि शिकायतां नहीं करी दियां यार दे शहर दे डाकुआं दियां, तो आप क्यों कर दे, बाबा जी बोले ही नहीं। दो तीन महीने बाद मुरीदा आप ही गल छेड़ ली, अर्ज की हजूर सुनिया तुहानू भी मार पई सी ते डाकुआ लुट भी लिया, आपने फरमाया झलियो तुहानू आख्या सी ना यार दे शहर दे डाकुआ दी भी शिकायतां नहीं करी दियां। फरमांदे ने एवें शिकायतां च गल करी जांदे हो, उह ते डाकू चंगे ही बड़े ने, ते मुरीद कहंदे ने बाबा जी उह ते मारदे ही बड़े ने। फरमाया नहीं यार उह चंगे ही बड़े ने, उहनां आख्या जी चंगे किवें, हुण आप अपनी सराइकी च जवाब की दिता, आप इरशाद फरमांदे ने मरेंदे हिन कुटेंदे हिन मदीने बल बजेंदे मरेंदे हिन कुटेंदे हिन मदीने बल बजेंदे मरेंदे हिन कुटेंदे हिन मदीने बल बजेंदे उना दी मार तो सदके उना दे प्यार तो सदके उना दी मार तो सदके उना दे प्यार तो सदके। फरमाते ने जिन्ने भी डाडे ने मार दे जिन्ना भी ने पर वेखो किड्डे चंगे ने इंसान नु राह ते मदीने दे पा देंदे ने ना चंगा कौन हो सकता है जड़ा बंदे मदीने दे राह ते पा देवे। गिरामी कदर हजरात हजरत मौलाना अब्दुल रहमान मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह जद नात लिखी ना नसीमा जानी बेबतहा गुजर कुन जे अहवालम मुहम्मद रा खबर कुन आखी सोने नो हवाए नी जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे हा
हर वेले मदीना 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 एक दिन काफिला गुजरिया ते उन्हां नूं पुछदे ने किथे चलियो काफिले वाले कहन लगे मदीना तैयबा जा रहे हां अकल कहन लगी ते उंजे ते मदीना मदीना करदा रहना इश्क कहन लगा चल मदीने अकल कहन लगी किवें जावेगा जाते राह कोई नहीं सामान कोई नहीं पैसे कोई नहीं किवें जावेगा इश्क ने आला हजरत दी जबान च आखिया जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुंचे तुम नहीं चलते रदा सारा तू सामान गया इश्क ने आखिया तेरी अकल मदीने सोच मदीने धड़कन मदीने तसव्वुर मदीने तखय्युल मदीने ते समान ते सारा टुर गया है ते रह ते जामी तू ही गया है चल मदीने हुण मौलाना जामी काफले दे नाल मदीना तैया बावल टुर पे नौजवानों मदीना सुनाना जी आप नाले मदीना तैया बावल जा रहे नाले रोंदे जा रहे ने नाले पढ़ते जा रहे ने तेरे रोजे ते आवा मदीने विच रहन वाले तेरे रोजे कोई एक भी ऐसा नहीं बैठा जिदा रोदे ते जावन जी नहीं करदा तीन बज गए ते कबूलियत हो गया वेला दुनियादारा दे सौं दा ते अल्लाह वाले दे जागन दा वेला अखियां कर लो बंद हाथ कर लो बुलंद उमरे दा टिकट भी है ते आखो तेरे रोजे ते आवां मैं हाथ खड़े करो जिन्हां दे जान दा इरादा ते तमन्ना रख दे भाई सारे अज इंज नहीं अज इस तरह करके ना कटोरा बना लो सखी दे बूवे ते जाइए ना ते ए इंज जाईदा ते मेरे बाबा जी हजूर ताजदारे चूरा शरीफ फरमांदे हुंदे ने आ फरमांदे ने सखी दे बूवे तो मंगता खाली टुर जावे ना मंगते दा कुछ नहीं बिगड़दा सखियां दे अपने बूवे नूं इलाज लग जांदी है इस वास्ते सखी बूवे तो मंगते खाली नहीं भेजदे ते असी ते सखियां दे सखी दे दरवाजे ते आया आओ सारे रल के मदीना वाले कोल मदीना मंग लईए मिलके सारे पढ़िए तेरे रोजे ते आवा मैं मदीने विच रहन वाले तेरे रोजे ते आमा मैं मदीने विच रहन वाले तेरे रोजे ते आमा मैं मदीने विच रहन वाले चाली सीने मदीने विच रहन वाले आप नौजवान मौलाना जामी मदीना तैयबा वाल रोंदे जा रहे रात होगी सारे काफले वाले पे आराम कर देने मौलाना जामी ना तां पढ़ के पे रोंदे ने अधी रात वेला एक शुतर सवार आया कहन लगा जामी कौन है आप नु ख्याल आया इत्थे मैनूं जानदा कोई नहीं दौड़ के करीब जाके फरमांदे ने मैं जामी हां कहन लगा मैं नबी करीम दा पैगाम लेके आया हां सरकार फरमा रहे ने सारे मदीने आ जाओ जामी मदीने ना होया बे मौलाना जामी धाड़ा मार के रो पे मदीने वाले हाथ जोड़ के अर्द कर देने कमली वाले आओ सारी जिंदगी उड़ीका कर जा रहे हां जावा के मदीना वेख के आवा जाओ सुने केड़ा गुनाह हो गया अज मेरी हाजरी क्यों नहीं कबूल आई सुने हवावां भी मदीनियों गुजरदियां ने रोकदा कोई नहीं परिंदे भी गुजरदे ने रोकदा कोई नहीं अपने भी आ रहे बेगाने भी आ रहे सुने रोकदा कोई नहीं नौजवान सारी रात रोंदिया गुजर गई अगले दिन काफिला टुरिया मौलाना जामी काफले दियां बकरियां च छुप गए अपनियां कोहनियां ते घुटने जमीन लगा ले नीवे होके चल दे ने कोई वेख के रोके ना आपे जाके यार नु मना लवांगा अगली रात आई सारे आराम कर रहे ने मौलाना जामी रोंदे ने अधी रात वेले ओही शुद्र सवार आया कह लगा जामी सुनिया नहीं जांदा नबी करीम फरमा रहे ने जामी मदीने ना आया वे ओ भी रात रोंदिया गुजर गई नौजवान अगला दिन आया काफिला चल गया मौलाना जामी समान च छुप गए आपे जाके यार नु मना लवांगा किसी रात आई सारे आराम पे कर देने मौलाना जामी रोई जा रहे
ਅਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਸ਼ੁਦਰ ਸਵਾਰ ਆਇਆ ਕਹਿ ਲਗਾ ਜਮੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਮੀ ਮਦੀਨੇ ਨਾ ਆਇਆ ਵੇ ਮੌਲਾ ਨਾ ਜਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਫੜ ਲੈ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਲਦੀ ਜਾਓ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਮੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕਹਿ ਲਗਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਂ ਅੱਜ ਤੇ ਨਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ कमली वाला तेरी वजह तो मैनू ज़ियारत कराई जा रहा हूं मैं पूछा सी सोने जामी केड़ा गुनाह करके आ रहे हैं नबी करीम ने फरमाया गुनाह कोई नहीं जामी ओ इश्क लेके मदीने आ रहे हैं जे ओ मदीने आ गया हो मैनू कबर चो निकल के सीने लाना पै जाना मैनू कबर चो निकल के सीने लाना पैना मेरे नबी ने अपने इंज दे भी दीवाने रखे ताइयों गौसे पाक फरमा देने हजरत शेख अहमद रिफाई मिस्र दे सैयदजादे वली हजूर दी कबर अनवर ते आए ते कहंदे ने दो तरह नाने नु मिलन आया ते नाना जी जरा कबर चो हाथ कढ़िया जे मैं नाने दा हाथ चो मनाया गौसे पाक फरमा देने अलामा यूसुफ नबहानी ने जवाहिरुल बिहार च भी लिखिया कि हजूर दा दस्ते अनवर कबर अनवर चो बाहर आया ते शेख अहमद रिफाई ने हजूर दे हाथ मुबारक दा बोसा लिया ते गौसे पाक फरमा देने उस वेले मैं भी मौजूद सा ते तकरीबन 50,000 या 90,000 लोगों ने एक अहमद रिफाई दे सदके हजूर दे हाथ दी ज़ियारत कर ली सी मेरे नबी ने अपने इंज दे मदीने दे दीवाने भी रखे ने ओ आ जान ते सुन आप मेरा साईं मेरा कमली वाला उन्हां दा इस्तकबाल कर दे।